इस फिल्म की कहानी एक टीनेजर लड़की की है जो अलग अलग अजीब तरीके यूज करके अपने आप को चरम सुख पहुंचाने का प्रयास करती है। अब वो अपने मिशन में कामयाब हो पाई या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है वेटलैंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस फिल्म की कहानी पास्ट एंड प्रेजेंट में ट्रैवल करती रहती है, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो के कुछ पार्ट्स कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। अगर आप एक कमजोर दिल के इंसान हैं, देन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को यही बंद कर दीजिए। नाउ विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है एक 18 साल के टीनेजर लड़की हेलेन से, जो सड़क के बीचों बीच ऐसे स्केटिंग कर रही थी जैसे कि वो सड़क उसके बाप का हो। स्केटिंग करते करते हेलेन के पिछवाड़े में अचानक तेज खुजली होने लगती है, तो वो अपनी खुजली मिटाने के लिए पास ही के एक पब्लिक टॉयलेट में जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हेलेन अपनी पॉकेट से इजगार निकालकर अपने पिछवाड़े में लगाने लगती है, जिसकी वजह से जल्दी उसे चरम सुख का आनंद भी मिल जाता है। तभी हेलेन की नजर टॉयलेट सीट पर पड़ी किसी आदमी की रबड़ी पर पड़ती है। उस गंदे से टॉयलेट सीट को देखकर उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसकी माँ उससे गंदे टॉयलेट साफ करवाया करती थी। दरअसल हेलेन की मॉम को साफ सफाई बहुत पसंद थी और वो हमेशा हेलेन को भी यही सब सिखाती रहती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ हेलेन अपने पिछवाड़े से उस टॉयलेट सीट को ऐसे साफ करती है जैसे हम स्कूल में दूसरे के बैग से अपना बेंच साफ किया करते थे। अगले सीन में हेलेन किसी लड़के को सिड्यूस करते हुए दिखाई देती है। वो उस लड़के से पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो लड़का भी शायद हेलेन के भूख और प्यास को समझ चुका था। दोनों बीच के किनारे जाकर एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बाबा बंगाली के पास जाकर चूरन नहीं लिया था तो जोश के मारे उसका शीघ्र पतन हो जाता है और हेलेन उसकी रबड़ी को हाथ में लपटते हुए अपने घर चली जाती है। काफी देर के बाद वो रबड़ी सूख जाती है और हेलेन उस रबड़ी का गोला बनाकर खा लेती है। फिर वो अपने फ्रीज से सारी सब्जियां निकालकर अपने साथ बाथरूम में ले जाती है, जहाँ एक के बाद एक वो उन सारी सब्जियों को इस्तेमाल करके चरम सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ वो उन सारी सब्जियों को नंबर भी दे रही होती है कि किस सब्जी ने उसे कितना आनंद दिया है। दोस्तों, हेलेन के मॉम डैड का आपस में डिवोर्स हो चुका था और हेलेन चाहती थी कि वो दोनों फिर से एक हो जाए। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था टोनी। हेलेन की मॉम शांति पाने के लिए सभी प्रकार के धर्मों को अपना चुकी थी, बट उन्हें किसी भी तरह की शांति प्राप्त नहीं हुई। अंत में उन्होंने कैथोलिक धर्म को ही अपना लिया था। एक दिन हेलेन की फ्रेंड कॉरिना उसे मिलने आती है, बट हेलेन उसे काफी रूडली बिहेव करती है। अगले ही सीन में कॉरिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप करते हुए दिखाई देती है। गपागप करते हुए उसका बॉयफ्रेंड कहता है, कॉरिना, क्या तुम मेरे पेट के ऊपर पॉटी कर सकती हो? ये सुनकर कॉरिना का दिमाग घूम जाता है, बट ये उसके बॉयफ्रेंड की फैंटेसी थी। सो कॉरिना भी बिना डरी करे अपने बाबू को खुश करने के लिए प्रेशर लगाती है और अपना सारा गोबर अपने बाबू के पेट के ऊपर ही निकाल देती है। हे भगवान, कैसे कैसे फैंटेसीज पाल रखे हैं लोगों ने। अगले दिन ये टॉप सीक्रेट ना जाने कैसे कॉरिना के कॉलेज में जंगल में लगी किसी आग की तरह फैल जाती है। सबके सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कॉरिना को लगा कि ये जरूर उसके चूतिए बाबू ने ही किया होगा। वो अपने बॉयफ्रेंड पर खूब बरसती है और उसे ब्रेकअप भी कर लेती है। इसके बाद कॉरिना और हेलेन के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। एक दिन हेलेन अपने पापा से मिलने उनके घर जाती है। वो अंदर जाकर अपने पापा को काफी आवाज लगाती है, बट कोई जवाब ना मिलने के कारण वो सीधे उनके बेडरूम में घुस जाती है, जहाँ उसके पापा किसी औरत के साथ पलंग तोड़ने में बिजी थे। हेलेन को देखते ही उसके पापा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अंदर आने से पहले एटलीस्ट कुंडी तो खड़काओ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? हेलेन को तभी अपना बचपन याद आता है, जहाँ उसके पापा उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा करते थे। अगली सुबह हेलेन रेजर से अपने शरीर के बालों की सफाई कर रही होती है और जोश जोश में आकर वो अपने तबले पर ही रेजर चलाने लग जाती है, बट तभी अचानक उसका तबला कट जाता है और काफी खून भी बहने लग जाता है। हेलेन इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती और जैसे तैसे अपने कॉलेज पहुंचती है, लेकिन कट ज्यादा होने की वजह से उसके पिछवाड़े से लगातार खून बह रही होती है। इसे देखकर वहां मौजूद सभी छिछोरे लौंडे ये हिसाब लगाते हैं कि जरूर आज इसने अपना तबला बजवाया है। हेलेन कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को अपने हाल के बारे में बताती है। डॉक्टर भी हेलेन के पिछवाड़े को देखकर एक मिनट के लिए सन रह जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ कट लगने की वजह से ये नहीं हुआ है, तुम्हें तो इन्फेक्शन भी हो रखा है। वहां मौजूद एक नर्स हेलेन से ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करवा लेती है। कुछ देर बाद हेलेन सोच में पड़ जाती है कि जरूर ये सब उसी इंसान की वजह से हुआ है जिसने सबसे पहले मेरे बाल काटे थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक आदमी हेलेन से कहता है कि क्या तुमने अपने शरीर के बाल कभी नहीं काटे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे बाल काट सकता हूँ। अगले दिन हेलेन उस आदमी के घर पहुंचती है। उसे लग रहा था कि आज जरूर उसकी अच्छी तरह से मालिश होने वाली है, बट वो आदमी हेलेन के तेल मालिश करने की जगह पूरी शिद्दत से उसके बॉडी के सारे बाल काटने लग जाता है। कोई बेचारा ना होने की वजह से हेलेन खुद ही उस लड़के को अपना तबला बजवाने के लिए अप्रोच करती है, बट वो आदमी निकला सख्त लौंडा। वो हेलेन से चुपचाप घर जाने के लिए कहता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम हॉस्पिटल के एक हैंडसम नर्स रॉबिन को देखते हैं। वो हेलेन के कपड़े चेंज करवाकर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। हेलेन रॉबिन को काफी गंदी गंदी बातों के साथ अपनी अश्लील फैंटेसीज बताने लगती है।
जिसे बाहर खड़ी रॉबिन की गर्लफ्रेंड सुन लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रॉबिन पूछता है कि ऑपरेशन से पहले तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहोगी? पहले तो हेलेन कहती है कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, बट थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आता है कि शायद मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सुनकर मेरे पेरेंट्स एक साथ यहाँ मुझसे मिलने आ जाए और दोबारा से एक हो जाए। फिर हेलेन रॉबिन को अपने पेरेंट्स का नंबर दे देती है और कहती है कि प्लीज ट्राई करना कि दोनों एक साथ ही यहाँ आए। इसके बाद हेलेन की ऑपरेशन शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम हेलेन और कॉरिना को एक साथ देखते हैं। वो दोनों अपने पैंट में हाथ डालकर नेचुरल सेंट का आनंद ले रही थी। दरअसल हेलेन ने ही उसे ये ज्ञान पहला था कि नेचुरल सेंट को अपने बॉडी पर लगाने से दुनिया का कोई भी मर्द खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाएगा। तभी वहां एक लड़का ग्लूकॉन डी का स्टॉक लेकर आता है। उसे हेलेन ने ही बुलाया था। हेलेन पैसे लाने अंदर चली जाती है। उसके जाते ही कॉरिना लपक कर उस लड़के के बगल में बैठ जाती है और निराश हो जाती है। वो सोचने लगती है, अरे मैंने तो काफी सारे नेचुरल सेंट अपने बॉडी पर लगाए हुए हैं, फिर ये लड़का पिघल क्यों नहीं रहा। इसके बाद हेलेन उस लड़के को ग्लूकॉन डी के पैसे दे देती है और वो लड़का वहां से चला जाता है। लड़के के जाने के बाद दोनों सहेलियां काफी नशेबाजी करते हैं और दोनों एक साथ नहाने भी लगते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां रॉबिन हेलेन को बता रहा होता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हेलेन पूछती है कि क्या मेरे घर से मुझसे कोई मिलने आया है? रॉबिन कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था बट अभी तक कोई नहीं आया। इसके बाद हेलेन रॉबिन से पूछती है कि मेरे कपड़े कहाँ है? तभी रॉबिन उसे उसके सारे कपड़े दे देता है। हेलेन की नज़र अपने निकर पर पड़ती है जो कि काफी गंदी होती है। रॉबिन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसे साफ कर सकता हूँ। हेलेन कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसे एक हफ्ता और पहन सकती हूँ। रॉबिन भी ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। हेलेन कहती है कि रॉबिन प्लीज तू मेरे पिछवाड़े की एक फोटो क्लिक करके मुझे दो ना, मुझे देखना है कि अब मेरे पिछवाड़े की क्या हाल है। पहले तो रॉबिन ऐसा करने से मना कर देता है बट हेलेन के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। रॉबिन जैसे ही तस्वीर लेने नीचे झुकता है, कमर में दो तीन डॉक्टर्स आ जाते हैं और जैसे ही वो रॉबिन को खड़ी खोटी सुनाने ही वाले होते हैं तभी हेलेन की मॉम वहां पहुंच जाती है। हेलेन अपने मॉम को देखकर काफी खुश होती है बट उसे इस बात का दुख भी था कि उसके पापा नहीं आए। हेलेन की मॉम उसके लिए एक पौधे का बीज लेकर आई थी जिसे हेलेन ने अपने घर पर उगाया था। कुछ देर बाद हेलेन की मॉम चली जाती है। हेलेन की नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है जहां उसे रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देता है। ये सब देखकर हेलेन के पिछवाड़े में वापस से जलन होने लगती है और वो बेड पर लेटे हुए रॉबिन को इमेजिन करते हुए हस्तमैथुन करने लग जाती है। कुछ देर बाद हेलेन उसी बीज को अपने नीचे इस्तेमाल करके चरम सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है बट जल्दी नीचे से एक पौधा बाहर निकल आता है। आप सभी हैरान ना हो, ये सब हेलेन का एक सपना था। थोड़ी देर बाद हेलेन के पापा भी उसे मिलने आते हैं। हेलेन घड़ी की ओर देखने लगती है और सोचती है कि काश उसकी मॉम भी जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। यही सब सोचते सोचते वो इमेजिन करने लग जाती है कि उसके मॉम डैड फाइनली एक हो गए हैं और वो एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। अब कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि हेलेन को किसी का भी बैलेंस ना मिलने की वजह से वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाती है और रात भर दोनों एक दूसरे के तबले बजवाते हैं। अगली सुबह कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ रॉबिन हेलेन के साथ प्यार भरी बातें कर रहा होता है। दोनों काफी उत्तेजित हो जाते हैं और रॉबिन फाइनली हेलेन को किस करने लग जाता है। तभी कमर में रॉबिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ चुम्माचाटी करते हुए पकड़ लेती है। एक बार फिर से हेलेन के अरमान आंसुओं में बह चुके थे। रात में हेलेन अपने स्केटबोर्ड पर सवार होकर हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगा रही होती है। तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जहां रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाते हुए उसे चूम रहा होता है, जिसे देखकर हेलेन के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। हेलेन फिर हॉस्पिटल के फोन से ही अपने लिए डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करती है। इसके बाद पिज्जा का इंतजार करते हुए वह अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए पूरे हॉस्पिटल में गश्त लगाने लग जाती है। जब पिज्जा आता है तब वो उसके पैसे रॉबिन से ही वसूल करवा लेती है और उसे भी पिज्जा खाने के लिए देती है। दोनों पिज्जा खाने लग जाते हैं। तभी हेलेन रॉबिन से कहती है कि क्या तुम मेरी पिज्जा स्टोरी सुनना पसंद करोगे? रॉबिन कहता है, क्यों नहीं। हेलेन कहती है, एक बार दो लड़कियां पिज्जा ऑर्डर करती है और पिज्जा लेट हो जाने की वजह से वो दोनों उस डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट कर देती है। गुस्से में आकर उस डिलीवरी बॉय ने उसके चार दोस्तों का मेयोनीज उस पिज्जे में मिलाकर उन्हें दे दिया था, जिसे खाकर उन लड़कियों को काफी अजीब फील हुआ। तो वो लड़कियां उस पिज्जे को लैब में टेस्ट करवाती है जहां उन्हें पता चलता है कि इस पिज्जे पर चार लड़कों का मेयोनीज डाला हुआ था। ये सुनकर रॉबिन भी सोच में पड़ जाता है कि भैंस की डैडी लड़के कितनी गंदी गंदी बातें करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं और हेलेन से कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल चंगी हो गई हो और अब तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन अब हेलेन को रॉबिन से काफी लगाव हो गया था जिसकी वजह से वो अब घर जाना नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए वो रात में एक लोहे के हैंडल को अपने पिछवाड़े में घुसेल लेती है जिसकी वजह से काफी खून बहने लगता है। तभी रॉबिन भी वहां आ जाता है और हेलेन को इस हालत में देखकर उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। एक बार फिर से हेलेन का ऑपरेशन किया जाता है और कुछ दिन बाद वो वापस से ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद हेलेन अपने कपड़े पहनकर घर जाते हुए रॉबिन को ढूंढने लगती है बट रॉबिन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। फिर वो रॉबिन को हॉस्पिटल के बाहर ढूंढती है जहां रॉबिन चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां लगा रहा था। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं
तभी हेलेन की नजर अपने पेरेंट्स पर पड़ती है जो कि अब दोबारा से एक हो गए थे। उन्हें देखकर हेलेन काफी खुश होती है और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी वेटलैंड्स की पूरी कहानी। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 5.8 out of 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पर ये 91% फ्रेश है। आई नो कि मूवी की कहानी थोड़ी अजीब है बट थोड़ी रॉ एंड हटके कहानी होने की वजह से इसे क्रिटिक्स की तरफ से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।